Hi, मैं हूँ शिवांगी जोशी एंड यू आर वॉचिंग बरसातें. सब्सक्राइब टू सेट इंडिया चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर फ्रॉम बरसातें. पापा, दीदी को छोड़ रहा है ना, उसे फोन दो. तुम अंदर जाओ जागृति. पर दीदी. तुम जाओ प्लीज. जागृति. आज आपके मुंह से क्या निकलने वाला था हर्ष? हमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सिखाने की, कि तुम भी अपनी माँ की तरह. चुप रहिए आप. गुस्से में आप वो बात कह जाते हैं जिसका जिक्र हमें कभी नहीं करना है. बती? मुझे कुछ नहीं सुनना हर्ष. अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते तो कुछ दिन के लिए आराधना से बात मत करिए, लेकिन आइंदा से वो बात आप... ये बात अभी छुपाने का समय गया है भक्ति. सब कुछ उसे सच सच बता देना चाहिए. नहीं नहीं, कभी नहीं. आपने मुझे वादा किया था. वो हमसे दूर जा रही है भक्ति, उसे सब कुछ सच सच बताना होगा, नहीं तो वो वही गलतियां दोहराएंगी जो उसकी माँ ने की थी. मैं हूँ उसकी माँ. सच का सामना करना सीखो भक्ति. हमने उसे गोद लिया है, हमने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन उसकी सगी माँ. मैं उसकी सगी माँ हूँ. समझने की कोशिश करो भक्ति. मैं भी उसका बाप. I love her, I care for her. लेकिन वो जिस रास्ते जा रही है उसमें उसकी माँ की छाप दिख रही है. कि वो अपनी उस माँ की तरह बदनाम हो जाए, जिस औरत ने बिना शादी के एक बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची को अपनी सहेली की गोद में छोड़ के चली गई, और आज वही बच्ची हमसे आगे आके जवाब दे रही है, हमें गलत ठहरा रही है. प्यार के चक्कर में फंस के आराधना की माँ ने अपनी बेटी खोई थी, और अगर आज तुम आराधना को नहीं संभालोगी तो तुम भी अपनी बेटी खो दोगी. हमें आराधना को समझाना होगा कि खून और परवरिश में फर्क होता है. उसे अपनी परवरिश याद दिलानी होगी. आराधना को हमें यह बताना होगा कि कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती है जिसका भुगतान हम नहीं कर सकते हैं. ना तुम, ना मैं, ना आराधना. तुम देखना, अगर आज नहीं संभली तो आराधना भी अपनी माँ की तरह प्यार में बड़ी गलती कर बैठेगी. तो ये है सच तेरी जिंदगी का? वो सच जो था मेरा, पर जिससे मैं अभी तक अनजान थी. मैं तो अपनी अपनी धुनकी में ही खोई हुई थी. कहा पता मेरी पूरी दुनिया ही झूठ, और ये एक झूठ मेरी पूरी जिंदगी को उसकी याद में लपेट लेगा, और ये एक झूठ एक एक करके मेरे हर मंजर को गिरा देगा. तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं कोई? था एक, मयंक. अपने मम्मी पापा से कब मिलाने वाली हो? और उनसे मिलके क्या होगा? कुछ है जो मुझे उनसे मांगना है. पर वो कनाडा चला गया था बैंक में जॉब करने. तो हाँ, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. मैं जाऊँ? I love Canada. I don't get banks. Baba? Are Baba. Chamuda, aaj kya din hai? Friday. I love Fridays. Flowers. कुछ तो अलग है बाबा, पहले स्माइल करना सीखे. तो स्माइल कर लीजिए, शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ. ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे. और अब जब देखो स्माइल ही करते रहते हो तो आपकी स्माइल से डर भी नहीं लगता है. कहीं आपको कहीं बड़ी बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई? जैसे वो आनंद पिक्चर में दिखाए थे ना, वो मरने वाले थे और ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते थे, जैसे लबेरिया. शमुदा, आप ना बहुत पुराने हो चुके हो, नए जोक्स ट्राई करो. बाबा कॉफी? नहीं, कॉफी पीने से लोग हाइपर होते हैं. मुझे ग्रीन टी पीनी है, लेमन ग्रास ग्रीन टी. ये क्या हो रहा है? वो मेहमान आए हैं. शंभू जी, आपको पहले बताना चाहिए था कि भाई इतना कलेश हो रहा है, मैं बाहर निकलता ही नहीं है? कुछ मेहमान आए गांव से. ओए रियांश, कितना सोना लग रहा है.
जब तेनू वेख्या सी तू तू सा था अब देखो कितना गबरू जवान हो गया है मैं मर जावा जवानी में तो तेरे छाप छाची भी बिल्कुल तेरे जैसे दिखते थे आज से पुशअप ज्यादा मारूंगा हमारी फैमिली में तो सारे मर्द हैंडसम है आप लोग डांस करिए मैं आता हूँ एक काम करिए मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आइए डैड ये क्या हो गया है आपको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे शेरा ओए शम्मी याद है मेरा पुत्र ये शम्मी अंकल अंबाला से याद है ना आपकी शादी की 35वीं सालगिरह है आप 35 साल के नहीं हो रहे हो कि आपकी नई नई शादी हो रही है उल्लू दे पट्टे हर दिन मेरी शादी है और हर दिन मेरी खुशी जब खुशियों को दोनों हाथ से जकड़ लो ना तो फिर हर दिन एक सेलिब्रेशन है और तेरा भी तो कुछ पता नहीं है तू शादी करेगा नहीं करेगा तो मैंने सोचा मैं ही सारी कसर निकाल देता हूँ मैं खुश हूँ और खुशियों की कोई टैक्स नहीं लगती है समझे और वैसे भी तू खुशियों से डरता है क्या डरता हूँ आपको देख के डरता हूँ कि एक पल में सारी खुशियां पलट सकते हैं जब तक है एंजॉय कर ले अरे उल्लू दे पट्टे स्माइल 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 वैसे मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती लेकिन इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी मुझे ऐसे लगता है कि आपने थोड़ा ज्यादा ही कर लिया पर आपकी खुशी के लिए ये हुई ना बात मैडम ये हुई ना बात चलना यार तुम क्या करना है कम ऑन जिस इंसान ने बचपन से नीम के पत्ते चाटे हो उसे आप गन्ने का रस दे रहे हो भी चाशनी में डुबोकर डायबिटीज हो जाएगी डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जब ये तामझाम खत्म हो जाए ना मुझे बुला लीजिएगा प्लीज ओए तू नहीं जा सकता कंपनी तेरी बाप की है और इसका मतलब है तेरा बाप तुझे कह रहा है इस शक्ल सुधार ले हा? और आ जा तप्पे पाने वैसे भी तेरा पूरा ऑफिस का स्टाफ यही आ रहा है संगीत के लिए देखना तुझे नाचना पड़ेगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसको लेके जाओ नाचाने कमाल ओए तूने बोले छोले तो बड़े कमाल के बना लिए मैं सोच रही थी तू मुझे डांस स्टेप पे उठा तो लेगा ना मैं चेंज करके आता हूँ बाबा ग्रीन टी लाओ 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 आप लोग नाचिए मैं आता हूँ थैंक यू शमिता इन्हें रासलीला करनी है और मुझे गोलियों से रासलीला या तो मैंने गोली मार दूंगा या खुद अपने आप को मार दूंगा ओए जो तुम्हें काम दिया है वो भूलो मत ओए कर दूंगा बस दो घंटे की छुट्टी दे दो उस पागलखाने से आई विल डू इट प्लीज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैं बाकी का नाश्ता रूम में कर लेता हूँ डैडी ये तो अनफेयर है ना मम्मा शादी पूजा ने की है उसका फैसला था वो खुश है उसके पेरेंट्स मान गए पर मेरे डैडी अभी भी मुझसे नाराज है अभी भी गुस्सा है जानती है ना उन्हें ठंड रख नहीं है मामा मैं भी जा रही हूँ दो तीन दिन ऑफिस में ही रहूंगी उनका गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो बता देना आ जाऊंगी नहीं तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट आराधना तू पहले खा ले बाद में देखते हैं रे ये नहीं ब्रेकफास्ट इश्यू आई जस्ट चेक दिस अरे मैं तुझे ही तुझसे बात करने वाली हूँ एक मिनट तू यहाँ है घर पे इतना बड़ा फंक्शन है और ये बैग क्या कर रहा है यहाँ पे नहीं यार विक्रम मुझे घर पे नहीं रहना घर में वो फंक्शन हो रहा है मैं ही रहूंगा 9 PM न्यूज़ के बारे में मुझे आप लोगों से इतना बड़ा बैग वो क्या है ना आराधना इसको यहाँ ही रहना है आज से तो मैं भी रह जाऊँ आपके साथ नहीं मेरा मतलब वो नहीं था वो एक्चुअली घर में थोड़ी सी टेंशन है तो ओह गॉड आई एम सो सॉरी आराधना ये सब मेरी वजह से हुआ है तुमने मेरी हेल्प की और ये सब इट्स ओके विक्रम पेरेंट्स हैं दो दिन शक्ल नहीं दिखाऊंगी ना तो अपने आप कूल डाउन हो जाएंगे तुम मत दिखाओ ना शक्ल वैसे भी ऑफिस का इम्पोर्टेंट इवेंट है रे की मॉम डैड की 35th वेडिंग एनिवर्सरी है आज संगीत है और कल वेडिंग वॉज रिन्यूज होंगे सो क्यूट आई नो सो क्यूट तुझे क्या प्रॉब्लम है आपसे मिलने कोई कृष्णन आए हैं क्यों आपसे नहीं आराधना से मैं आती हूँ जाओ हाँ सो व्हाट आई वाज सेइंग मैं लू हाँ जाओ सॉरी उस दिन थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गई थी पर फिर मुझे सच में लगा कि तुम काफी परेशान हो अपनी बहन के लिए तो मैंने उसका फोन चेक किया एक बार मैं देख सकता हूँ फोन नहीं
मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी प्राइवेट बातें प्राइवेट ही रहनी चाहिए। एक मिनट आराधना जी, बस मैं एक मिनट देख लूं फोन। मैंने कहा ना तुमसे, नहीं। अरे क्या थे लोग, तुमने ऑफिस जॉइन कर लिया? नो, आई एम अ डेंटल सर्जन। क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना है इसका, और आप जाइए, मैं देख लूंगी। सोच लो, आजकल मैं काफी फ्री हूँ, वो भी वैन भी है, बिजली की तारे भी काट लेता हूँ, काफी लोगों की मदद भी करता हूँ। ऑफर मैं ध्यान रखूंगी। अभी आप जाइए, और आपकी एसिडिटी की दवाई। दैट्स परफेक्ट। ओह हाय तेलू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।